मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? जंग के मैदान में फाइटर प्लेन्स कितने इफेक्टिव होते हैं ये दुनिया का हर देश जानता है। दुश्मनों के बंकरों से लेकर उनके बड़े बड़े सैन्य ठिकानों तक को हवाई फायरिंग के जरिए पल भर में उड़ा डालने की मारक शक्ति इन्हीं फाइटर प्लेन्स में होती है। इसलिए दुनिया का हर देश एक से एक खतरनाक लड़ाकू विमानों को अपनी सेना में जल्द से जल्द शामिल करना चाहता है, जिससे युद्ध की स्थिति में वो अपनी जीत का परचम लहरा सके। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही 7 सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन्स के बारे में बताएंगे, जिनके आने की आहट भर से दुश्मनों की रूह कांप जाती है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसका नाम है वर्ल्ड्स टॉप 7 मोस्ट डेंजरस फाइटर प्लेन्स। नंबर 7 पर है यूरोफाइटर टाइफून। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून यूरोप की एडवांस टेक्नोलॉजी का सबसे जबरदस्त नमूना है। इसको बनाने वालों का दावा है कि ये अमेरिका के F-22 रैप्टर का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें बड़े पैमाने पर मिसाइल भंडारण की क्षमता भी मौजूद है। इसके सामने F-15F राफेल और रूस के SU-27 फाइटर जेट का कोई मुकाबला नहीं। इस फाइटर प्लेन की मैक्सिमम स्पीड 2410 किलोमीटर पर आर है और यह आसमान में 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही इस फाइटर प्लेन में स्टेल्थ पावर यानी रेडार से बचने की क्षमता भी मौजूद है, क्योंकि इस विमान का 15% भाग ही मेटल से बना है। वहीं इसका बाकी हिस्सा कार्बन फाइबर से बना हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी रेडार इसको पकड़ नहीं सकता। ये फाइटर प्लेन दुश्मनों के लिए मौत का घातक मंजर लेकर आता है। नंबर 6 पर है सुखोई SU-57। दोस्तों, ये वो लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण रूस और भारत के आपसी सहयोग से हुआ है। ये एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन है जिसको एक पायलट आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2440 किलोमीटर पर आर है। इस फाइटर प्लेन की कीमत 40 से 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर बैठती है। इस विमान को T-50 के नाम से भी जाना जाता है। ये लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे बेहतर स्टेल्थ पावर से लैस है। ये विमान MiG-29 और SU-27 जैसे फाइटर प्लेन से कहीं आगे है। दोस्तों, सुखोई SU-57 फाइटर प्लेन के निर्माण में भारत के सहयोग के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। नंबर 5 पर है मित्सुबिशी X2 शिनशिन जापान। दोस्तों, जापान अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर प्लेन तैयार कर रहा है, जिसका नाम उसने X2 शिनशिन रखा है। ये उनके पुराने लड़ाकू विमान ATDX शिनशिन का अपग्रेड वर्जन है। ये लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्टेल्थ पावर से लैस होगा। वहीं इसमें 2 इंजन लगे होंगे जो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेंगे। इसे उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही पायलट काफी होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2570 किलोमीटर पर आर होगी और आसमान में ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। 2 बाहरी ईंधन टैंक्स की मदद से ये 2960 किलोमीटर की दूरी तक लड़ाई कर सकता है। इस विमान की अभी तक एक यूनिट ही बनी है, जिसका 22 अप्रैल 2016 को सफल परीक्षण हो चुका है। नंबर 4 पर है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2। ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी से निर्मित 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसे अमेरिका के सबसे ताकतवर और खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। इसको बनाने की कोशिश साल 2006 से हो रही है और अभी तक इसकी सिर्फ 13 यूनिट ही बन पाई है। इस प्लेन को आज भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं इसको ऑपरेट करने के लिए एडवांस कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही ये लड़ाकू विमान रेडार से बचने की काबिलियत भी रखता है। इसकी अधिकतम गति 1930 किलोमीटर पर आर है, जो कि साउंड की स्पीड से लगभग 1.6 गुना ज्यादा है। इसके 3 और मॉडल पर भी काम किया जा रहा है, जो है F-35A, F-35B, F-35C, जिनके बनने की लागत बहुत ज्यादा है। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 जमीनी हमले के साथ साथ
जासूसी, सैनिक परीक्षण और वायु रक्षा के लिए बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। ये विमान अकेले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, आपकी इस फाइटर प्लेन के बारे में क्या राय है, इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3 पर है राफेल। दोस्तों, राफेल फाइटर प्लेन का नाम दुनिया भर में चर्चित है। ये जमीन से उड़ान भरने के साथ ही विमान वाहक पोत यानी प्लेन कैरियर शिप से भी उड़ान भर सकता है। 4 जुलाई 1986 को राफेल के ए कैटेगरी विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी कैटेगरी के विमान ने 19 मई 1991 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। साल 1986 से 2018 तक राफेल की 165 यूनिट्स बनाई जा चुकी हैं। इस फाइटर प्लेन का निर्माण फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी करती है। राफेल को ए, बी, सी और एम कैटेगरी में बनाया जाता है, जिसमें सिंगल सीट, डबल सीट और डबल इंजन के ऑप्शंस मौजूद हैं। इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर पर आर तक पहुंच जाती है और ये हर मौसम में लंबी दूरी पर मौजूद खतरों का पता आसानी से लगा सकता है। ये फाइटर प्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार की मदद से 3D मैपिंग कर दुश्मन की रियल टाइम पोजीशन को ढूंढ निकालता है। लेकिन दोस्तों, राफेल की जो खूबी इसे सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसकी हमले की ताकत। ये फाइटर जेट हवा से जमीन पर और हवा से हवा में हमले के साथ साथ परमाणु हमले करने में भी सक्षम है। और तो और, ये कम ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद हवा में दूर तक हमला कर सकता है और एक साथ कई टारगेट्स को अपना निशाना बना सकता है। दोस्तों, सही मायनों में ये लड़ाकू विमान बड़े से बड़े दुश्मन को भी धूल चटा सकता है। नंबर 2 पर है चेंगदू J-20। दोस्तों, ये चाइना का एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन है जो हर मौसम में दुश्मनों का हाल बेहाल करने की ताकत रखता है। ये वजन में बाकी फाइटर प्लेन्स के मुकाबले बेहद हल्का है। इस विमान को चेंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन CAC नामक कंपनी ने चाइना की रिपब्लिक लिबरेशन एयरफोर्स आर्मी के लिए बनाया है। इसकी स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर है और ये 45,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से उड़ सकता है। लेजर गाइडेड बम के साथ इस फाइटर प्लेन में सैटेलाइट गाइडेड बम भी तैनात किए गए हैं, जो कि इसे बहुत अहम बना देता है। इस फाइटर जेट की लागत 110 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। इसे बनाने के पीछे चाइना का मकसद MiG-29 SU-27 के अगली जेनरेशन के विमानों से उत्पन्न खतरों का निपटारा करना था। दुश्मनों के ठिकानों को पल भर में ध्वस्त कर देने वाला ये विमान मौजूदा समय में चाइना की सेना का सबसे जरूरी लड़ाकू विमान है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों, नंबर 1 पर है F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। ये 5th जेनरेशन के बने बाकी फाइटर जेट से कोसों आगे है। इसमें मिसाइल दागने की अतुल्य क्षमता है, जिसकी बराबरी फिलहाल दुनिया का कोई भी फाइटर जेट नहीं कर सकता। ये विमान वैसे तो 2005 में बनकर तैयार हो चुका था, पर अमेरिकी सेना में इसे 2012 में शामिल किया गया। इसकी स्टेल्थ पावर इतनी है कि विश्व का कोई भी रेडार इसकी पोजीशन तक नहीं पहुंच पाता। इस प्लेन में ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल इंटेलिजेंस ट्रैकर जैसी अनगिनत खूबियां हैं, जो इसे सबसे शक्तिशाली बनाने के साथ साथ बेहद कीमती भी बना देती है। F-22 रैप्टर विमान की कीमत अनुमानित 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। वही रफ्तार के मामले में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। 2414 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये विमान हवा को चीरता हुआ चलता है और ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक आसमान से बातें भी कर सकता है। इस समय अमेरिका के पास इस विमान की कुल 195 यूनिट मौजूद हैं, जो उसके एयरफोर्स को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए काफी है। दोस्तों, असल में ये फाइटर प्लेन किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, जो युद्ध छिड़ने की स्थिति में दुश्मनों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, दुनिया के इन खतरनाक फाइटर प्लेन्स में से आपको कौन सा फाइटर प्लेन ऐसा लगा जिसे भारत को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।
प्यारे दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अपना बेहद कीमती वक्त आपने मुझे दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।